हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी एवाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की जो जनरल इंग्लिश है उसका 13th लेसन, और इस लेसन का नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, यानी कि युवाओं के लिए अवसर। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर और यूथ मीन्स होता है युवा, तो हो जाएगा युवाओं के लिए अवसर। यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे इस पूरे लेसन को, और आप ये देखते हैं कि ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके हम दो पार्ट्स में आपको पूरा लेसन उपलब्ध कराएंगे, और जो दूसरा पार्ट है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप एंड स्क्रीन को क्लिक करके भी दूसरे पार्ट में पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो लेसन है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यू नो, तुम जानते हो दैट आई वॉन्स रॉट ए बुक कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कि मैंने एक बार एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, भारत की एक खोज, भारत की खोज, ये भारत एक खोज। आगे देखिए, आई वॉज एंगेज इन दैट क्वेस्ट लॉन्ग बिफोर आई रॉट दैट बुक, इस पुस्तक को लिखने से पहले आई वॉज एंगेज, मैं लिप्त था इन द क्वेस्ट लॉन्ग बिफोर, काफी समय तक इसके पहले खोजबीन में। क्वेस्ट मीन्स होता है खोजबीन, यानी क्वेश्चन के सवालों का जवाब खोजना। आगे देखिए, इट वॉज नॉट मियर क्यूरियोसिटी दैट लेड मी टू दैट क्वेस्ट, मेरे अंदर तनिक भी उत्सुकता नहीं थी इस खोज को करने के लिए या इस खोज में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आई वॉज एंगेज इन मैनी एक्टिविटीज, मैं बहुत से कार्यों में, बहुत से क्रियाओं में लिप्त था। एंगेज मीन्स होता है लिप्त होना। एंड आई वॉन्टेड ए प्रॉपर रिकन्सिलिएशन बिटवीन माई एक्टिविटी एंड माई थॉट, और मैं चाहता था प्रॉपर उचित रिकन्सिलिएशन मीन्स होता है समन्वय बिटवीन माय एक्टिविटी, मेरे क्रियाओं और मेरे जो विचार थे मैं उनमें समन्वय, प्रॉपर समन्वय चाहता था। थॉट विदाउट एक्शन इज वर्सन, सोचना वो भी बिना कार्य के, यानी कि बिना क्रिया के सोचना व्यर्थ है। एबॉर्सन मीन्स होता है व्यर्थ। एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली, और बिना सोचे समझे कार्य करना मूर्खता है। आगे देखें, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इंपल्स और इरिप्रेसिबल अर्ज, बिल्कुल, वी समटाइम्स, हम कभी कभी एक्ट काम करते हैं ऑन सम इंपल्स, अपने पूरे मनोयोग से, और थका देने वाले अनुरोध या थका देने वाली क्रियाओं के लिए हम काम करते हैं। इरिप्रेसिबल मीन्स होता है बेकाबू करने वाले या थका देने वाले, और इम्पल्स मीन्स होता है मनोयोग से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम कभी कभी अपने पूर्ण मनोयोग से और ऐसे कार्यों के आधार पर लगे रहते हैं, कार्य करते हैं जो हमें थका देते हैं। इफ सडनली, यदि हम तुरंत, वी यू थ्रो ए ब्रिक एट मी, यदि तुम मेरे ऊपर अचानक एक ईंट फेंको, ब्रिक मीन्स होता है ईंट और थ्रो माने होता है फेंकना, एट मी मेरे ऊपर, एंड माई हैंड गोज अप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो मेरा जो हाथ है वो स्वतः ही खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा करने के लिए, आगे उठता है। इट इज एन ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट एक्शन, तो यह एक स्वचालित सहज प्रक्रिया है या सहज क्रिया है, यानी कि जो स्वचालित अपने आप में हो जाती है। And not a result of deliberate thought, ना कि ये सोचे समझे विचार का एक परिणाम है। Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night. यहाँ पर कहा जा रहा है our living, हमारा जो जीवन है morning till night, सुबह से लेके रात तक, conditioned by a series of automatic actions, इसी तरह की स्वचालित क्रियाओं की श्रृंखला से बंधा हुआ है या कंडीशंस स्वचालित होता है। एनीथिंग वी डू आउटसाइड, कुछ भी जो हम बाहर करते हैं, दैट कॉमन रेंज ऑफ एक्शंस, अपनी क्रियाओं की रेंज से, समान रेंज से बाहर होकर हम जब काम करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, हाउएवर हैज टू बी प्रिसीडेड बाय सम मेजर्स ऑफ थिंकिंग, तो वह एक सोचने का जो प्रक्रिया हो जाती है वो सभी सोचने का ही परिणाम होता है। हम उसके बारे में पहले से हमारे दिमाग में प्रोसेस चल रही होती है किसी भी तरह से, हावर मीन्स होता है कैसे भी। आगे देखें,
द मोर एक्शंस एंड थॉट आर एलीड एंड इंटीग्रेटेड, यदि अधिक क्रियाएं और विचार आर एलीड एंड इंटीग्रेटेड, आपस में उनमें मेल हो और इंटीग्रेशन मेष होता है एकत्रीकरण या एकीकरण, यदि उनमें एकीकरण होता है द मोर इफेक्टिव दे बिकम एंड द हैप्पियर यू ग्रो, तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारे जो एक्शन हैं और जो हमारे विचार हैं, यदि उनमें आपसी समन्वय हो या दोनों में मेल खाता हो, एलाइड मीन्स होता है मेल मिलाप, और एंड इंटीग्रेटेड मीन्स होता है एकीकरण, और यदि वो एकीकृत हों यानी कि सोच विचार के काम किया जाए, उनमें भिन्नता ना हो कि हम सोचें कुछ और करें कुछ, द मोर इफेक्टिव दे बिकम, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होंगे एंड हैप्पियर यू ग्रो, और हमें प्रसन्नता होगी यानी कि हमें खुशी भी मिलेगी। देयर विल देन बी नो इनर कॉन्फ्लिक्ट, और हमारे अंदर कोई टकराव नहीं होगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव, घेराव, हमारे अंदर किसी भी तरह का टकराव नहीं होगा बिटवीन विश टू डू समथिंग, कि हम कुछ करना चाहते हैं, एंड एनेबिलिटी टू एक्ट, या कुछ करने की अक्षमता के बीच में हमारे अंदर किसी भी तरह का टकराव नहीं होगा। और बिटवीन थिंकिंग वन वे, और एक तरीके से सोचना, और एक्टिंग इन अनदर, और दूसरे तरीके से काम करने के बीच में भी कोई हमारे अंदर टकराव नहीं होगा। द हैप्पीएस्ट मैन इज ही हुज थिंकिंग एंड एक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुशहाल मनुष्य वह है, इज ही हुज थिंकिंग, जिसका सोचना और क्रिया करना आर कोऑर्डिनेटेड, आपस में मिले जुले हैं, यानी कि उसका सोचना और विचारना आपस में समन्वित है और साथ साथ हो रहे हैं, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुशी है। आगे देखिए, हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, खुशी आफ्टर ऑल इस सब के बाद हमारे मस्तिष्क की आंतरिक स्थिति है या अंतः स्थिति है, इनर स्टेट ऑफ माइंड हमारे मस्तिष्क की अंतः स्थिति है। इट इज लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट, इट इज लिटिल, यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का जो यूज होता है, तो यहाँ पे लिटिल जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल भी ना होना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट, इसका बाहरी वातावरण से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, या इसका बाहरी वातावरण पर बिल्कुल भी निर्भरता नहीं है हमारी खुशी की। हैप्पीनेस हैज वेरी लिटिल टू डू, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, जो खुशी है उसका संबंध बहुत थोड़ा है, वेदर यू आर रिच और नॉट रिच, कि आप अमीर हैं या नहीं, इससे जो खुशी है उसका संबंध बहुत कम है या ना के बराबर है। सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन्स, खासकर जो बहुत ही परेशान व्यक्ति हैं, आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ आर द रिच पीपल, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन के दौरान जो मैंने अनुभव किया है, वो समान तौर पर अमीर लोग ही हैं। मिजरेबल पर्सन का मतलब होता है कि जिन समस्याओं में हैं, जो दुखों से ग्रसित हैं, यानी सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन्स, अधिकांश दुखी लोग वही हैं, आई हैव कम अक्रॉस माई लाइफ, जिन्हें मैंने अपने जीवन में पाया है, ये मेरे जीवन के दौरान जो आए हैं, आर द रिच पीपल, वो अमीर लोग ही हैं। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट पुअर्टी मेक्स वन मेजरेबल इन ए वेरी एक्यूट वे, यह सत्य है कि जो गरीबी है वो बहुत तेज़ी से दुख देती है, मेक्स वन मेजरेबल, किसी भी व्यक्ति को बहुत तेज़ी से दुखी बना देती है। बट माय पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा जो विचार है वो ये है, इट इज़ नॉट वेल्थ बट कोऑर्डिनेशन ऑफ वन्स थॉट एंड एक्शन विच रिमूव्स एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो धन नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वन्स थॉट एंड एक्शन, हमारे जो विचार और हमारी जो क्रियाएं हैं उनमें आपसी समन्वय, उनका एक साथ मेल मिलाप, विच रिमूव्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, वही हमारे अंतः टकराव को, हमारे अंदर जो होने वाला टकराव है, हमारे अंदर जो होने वाला घेराव है, जो परेशानियां हैं, उनको हमारा जो थॉट है और हमारे एक्शन यदि एक साथ मिल जाएं और उसके आधार पर हम काम करें,
तभी ये खत्म हो सकते हैं। वेल्थ इसका सोल्यूशन नहीं है, धन इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि हम अमीर हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो हमारे आत्मा में जो टकराव पैदा होता रहता है वो खत्म हो जाएगा। इसे हमारे एक्शन और थॉट के आपसी समन्वय के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आगे देखिए, इट इज इन दैट वे दैट इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी इज अचीव्ड। यहाँ पर कहा जाता है कि इट इज दैट वे, वही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत जो इंटीग्रेशन है उसको प्राप्त करते हैं। हम व्यक्तिगत अपने व्यक्तित्व में जो विकास है उसको अचीव करते हैं। आगे देखिए, वी वर एंगेज्ड एज यू नो, हम लिप्त थे जैसा आप जानते हो। वी वर एंगेज्ड एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, इन ए वेरी ग्रेट मूवमेंट इन इंडिया, कि भारत में बहुत जो महान जो बड़े बड़े जो आंदोलन थे उनमें हम लिप्त थे। बिकॉज दैट मूवमेंट वॉज इंटीमेटली कंसर्न विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया। बिकॉज मैंने क्योंकि दैट मूवमेंट, क्योंकि वो आंदोलन वॉज इंटीमेटली कंसर्न विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से उनका बहुत ही घना संबंध था। आई वॉज लेड टू वंडर व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज, भैया मुझे नेतृत्व करके अचंभा होता है। आई वॉज लेड टू वंडर, मैं इसका नेतृत्व करके अचंभित था, व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज, कि भारत वास्तव में क्या है। आई न्यू, मैं जानता था ऑफ कोर्स बिल्कुल द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। आई न्यू मैनी अदर ओल्ड फैक्ट्स अबाउट इंडिया, मैं भारत के जो ओल्ड फैक्ट्स थे, जो बहुत ही अजीबोगरीब जो तथ्य थे उनके बारे में भी जानता था। मैनी अदर, बहुत से अजीबोगरीब तथ्यों को भी मैं जानता था। टू, आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट ऑन फेथ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, मैं उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। दैट बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, बिकॉज क्योंकि मैं भारत में मेरा जन्म हुआ था। देयरफॉर इसलिए इंडिया वॉज ए ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इसलिए कि भारत दुनिया का सबसे महान देश है। दैट इज द काइंड ऑफ फॉली, यह एक तरह की मूर्खता है, इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज, जिसमें हर देश के नागरिक, हर देश के लोग फंसे रहते हैं या लिप्त होते हैं कि हमारा देश सबसे ज़्यादा महान है। आगे देखिए, इंडल्ज मीन्स होता है लिप्त होना, फंसे होना मानसिक तौर पे। आगे देखिए, फॉली मीन्स होता है मूर्खता। देर आर क्विट इनफ पीपल इन इंडिया, क्विट का मतलब होता है इनफ पीपल इन इंडिया हु थिंक दैट इंडिया इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट कंट्री। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में हु थिंक, जो सोचते हैं दैट कि इंडिया इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट कंट्री, कि भारत वास्तव में एक महान देश है। इन द डेज, उन दिनों, वेयर वी वर पॉलिटिकली सब्जेक्ट, जब हम राजनीतिक प्रजा थे। When we are politically subject, subject means प्रजा भी होता है, विषय भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो भावार्थ है वो प्रजा है। जब हम राजनीतिक तौर पर हम प्रजा थे, and could not take much pride in our political condition, और खासकर उस समय जब हम अपने राजनीतिक स्थिति पर गर्व नहीं कर सकते थे। We prided ourselves on our spiritual greatness, हम खुद के जो धार्मिक ग्रेटनेस थी, महानता थी, जो आध्यात्मिक महानता थी, उस पर गर्व कर सकते थे। हैविंग नथिंग एल्स टू गेट होल्ड, कुछ भी हाथ में ना आने के बावजूद, हैविंग नथिंग या कुछ भी हाथ में ना आने के कारण, वी टुक रिफ्यूज इन स्पिरिचुअलिटी, हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में शरण ली। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं, और भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा देश निश्चित रूप से बहुत ही महान है। इन दैट डेज, और खासकर उन दिनों में जब हम एक राजनीतिक प्रजा थे, हम पर शासन किया जा रहा था, एंड कुड नॉट टेक मच प्राइड इन आवर पॉलिटिकल कंडीशन, उस टाइम पे जो हमारी जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर हम गर्व नहीं कर सकते थे। वी प्राइड और सेल्फ, हम अपने यहाँ की जो राजनीतिक महानता है, वो जो धार्मिक महानता है, जो आध्यात्मिक महानता है, केवल उस पर गर्व कर सकते थे।
और इन सभी के बावजूद जब हमारे पास में कुछ भी नहीं था कुछ भी करने के लिए, तो अंततः हमने स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक का सहारा लिया, आध्यात्मिकता की शरण ली। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो फर्स्ट पेज है उसका भावार्थ है, और चलते हैं अगले पेज में। इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज, यदि तुम दूसरे देश जाओ, आई शैल नॉट नेम देम, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एज आई डू नॉट विश टू काज ऑफेंस, क्योंकि मैं अपराध का कारण नहीं बनना चाहता। यू विल फाइंड द पीपल देयर थिंक, आप वहाँ पर लोगों को पाएंगे कि वे सोचते हैं, दैट देयर कंट्री इज द चूजन कंट्री, कि उनका जो देश है वो चुना हुआ देश है, यानी कि सबसे बेहतर देश है। द टॉर्च बियर ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के मशाल वाहक, द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, अत्यंत अग्रगण्य देश, द मोस्ट रिवोल्यूशनरी कंट्री, अत्यंत क्रांतिकारी देश, द कंट्री विद बिगेस्ट बिल्डिंग्स, एक ऐसा देश जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, द कंट्री विद समथिंग यूनिक, देश जिसमें कुछ अद्वितीय है, सम मिशन और द अदर्स, कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य या अन्य। इट इज नेचुरल फॉर वंस लाइक टू वंस ओन कंट्री एंड वंस ओन पीपल, यह प्राकृतिक है हर किसी का अपने देश को पसंद करना और अपने देश के नागरिकों को पसंद करना, अपने लोगों को पसंद करना, यह प्राकृतिक है। हर कोई अपने देश को पसंद करता है और देश के लोगों को पसंद करता है दूसरे देशों के लोगों की अपेक्षा। इट वुड बी अननेचुरल नॉट टू डू सो, ऐसा ना करना अप्राकृतिक भी होगा। यानी आप देखते हैं कि जो इंडियन हैं, अगर वो इंडिया को पसंद ना करें या भारत के लोगों को पसंद ना करें, तो ये सामान्य तौर पे अप्राकृतिक ही माना जाएगा, लोग उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कहना पसंद करेंगे। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति अपने देश और अपने देश के लोगों को ज़्यादा पसंद करता है दूसरे देशों की अपेक्षा। हालांकि हमारे देश में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते। इट इज़ गुड नॉट ए गुड टू बी ए लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री, यह अच्छा भी होगा अपने देश पर गर्व होना, अपने देश पर गर्व होना थोड़ा बेहतर भी है, अच्छा भी है। बट इट इज़ रॉन्ग, लेकिन यह गलत है, टू स्टार्ट इमेजिनिंग, यह कल्पना करना, दैट वी आर द हाईएस्ट, कि हम सबसे सर्वोच्च हैं, एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं, यह सोचना, यह कल्पना करना बुरा है, गलत है। द फैक्ट इज दैट, मुख्य तथ्य यह है, एवरी कंट्री एंड एवरी पीपल, कि हर देश प्रत्येक लोग हैव एडमरेबल पॉइंट्स अबाउट देम, कि उनमें प्रत्येक देश में और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रशंसनीय गुण जरूर होते हैं। दे हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट, और उन्होंने अपने गुणों की वजह से कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी प्राप्त किया है। देयर क्रेडिट, यानी उनमें जो अच्छाइयाँ हैं, उनमें जो गुण हैं, उनकी वजह से उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। अचीवमेंट्स में होता है उपलब्धियाँ। एंड दे हैव आल्सो बैड पीरियड्स इन देयर हिस्ट्री, और उनके इतिहास में, उनके अतीत में कुछ बुरे पल भी हैं, यानी कि उन्होंने बुरी कठिनाइयों का भी अपने अतीत में सामना किया है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जो उन्होंने विकास किया है उन्हें कोई समस्याएं नहीं आई, ढेर सारी समस्याएं उनके अतीत में है। ये हिस्ट्री, उनके इतिहास को पढ़ा जाए। दिस एम्प्लाइज नॉट टू कंट्रीज, यह न केवल देश पर लागू होता है, ओनली बट टू इंडिविजुअल्स, बल्कि यह न केवल देश में बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी ये लागू होता है। यानी कि जिस तरह देश किसी न किसी समस्या को अतीत में उसने सामना किया है, उसी तरह हर व्यक्ति को भी कभी न कभी अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नोबॉडी इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। ही हैज वीकनेस एंड फेलिंग्स, उसमें कमियां भी हैं, उसने असफलताओं को भी पाया है। नोबॉडी इज थ्रॉली बैड आइदर, और हर कोई केवल बुरा नहीं है, बुरा नहीं हो सकता, हमेशा बुरा नहीं हो सकता। वी आर ऑल मिक्सचर्स ऑफ गुड एंड इविल्स, गुड मीन्स अच्छाइयाँ और एविल मीन्स बुराइयाँ, हम सभी में अच्छाइयाँ और बुराइयों का मिश्रण है, यानी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। बट वी शुड ट्राई टू फर्दर द गुड इन आवर सेल्व्स एंड अदर्स, लेकिन हमें खुद में और दूसरों में अच्छाइयाँ लाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छाइयों को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली डिड नॉट सी गांधी जी एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है नज़दीक से। मोस्ट ऑफ यू, हम में से अधिकांश लोगों ने डिड नॉट सी गांधी जी को करीब से नहीं देखा है, नज़दीक से नहीं देखा है। ही हैड अमेजिंग क्वालिटीज, उनमें बहुत ही अद्भुत गुण थे। वन ऑफ दीज क्वालिटीज, उनके अद्भुत गुणों में से एक गुण यह था,
was that he managed to draw out the good in another person, कि वो दूसरे व्यक्ति से अच्छाई को निकाल लेते थे, यानी कि दूसरे व्यक्तियों में अच्छाइयाँ को बाहर निकालने में उन्हें कुशलता प्राप्त थी, ऐसा कह सकते हैं। The other person may have had plenty of evil in him, भले ही दूसरे लोगों में ढेर सारी बुराइयाँ हों, but he somehow spotted the good, लेकिन वो उनमें अच्छाइयों को ढूंढ लेते थे, एंड लेड एम्फसिस ऑन दैट गुड, और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसी पर फोकस करते थे, उसी पर ज़्यादा वो हर्ट करते थे, यानी कि ज़्यादा उस पर महत्व देते थे। द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम यह होता था, द पुअर मैन हैड टू ट्राई टू बी गुड, कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक बेचारा से बेचारा व्यक्ति भी अच्छा बनने का प्रयास करने लगता था। He could not help it, उन्होंने इसमें कोई मदद नहीं की। He would feel a little ashamed, वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता, when he did something wrong, जब वह व्यक्ति कुछ गलत करता था। People who works seek evil in others find it, people's लोग जो दूसरों में बुराइयों को खोजते हैं, in others find it, वो उन्हें ही मिल जाते हैं। This implies to nations, यह as well as individuals, यह न केवल देश में लागू होता, राष्ट्रों में लागू होता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में लागू होता है। गो टू ए फॉरेन कंट्री, आप विदेश जाओ, अन्य देश में जाओ, फॉरेन कंट्री मीन्स होता है विदेश, यू आर लाइकली टू फाइंड मैनी थिंग्स, तो वहाँ पर आपको पसंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, दैट यू डू नॉट लाइक, वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, दैट यू डू नॉट लाइक, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो तुम्हें वो पसंद नहीं होंगी। आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट द एविल इन अदर कंट्रीज, आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट द एविल इन द अदर कंट्रीज, क्या आप दूसरे देश में उन बुराइयों को खोजने में अपना समय बर्बाद करेंगे, और रेदर इन फाइंडिंग आउट द गुड इन दैम, या उनमें अच्छाइयों को निकालने, अच्छाइयाँ खोजने का प्रयास करेंगे, और रेदर ना ही आप उन पर अच्छाइयाँ निकालने का प्रयास करेंगे। And profiting yourself and others by your contact, और आप अपने संपर्क से खुद को और दूसरों को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ फर्स्ट देखें कि ये जितने भी पैरा हैं उनमें जो मीनिंग्स हैं वो सिंपल हैं, इसलिए मैं उनको बार बार दोहरा नहीं रहा हूँ, मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा है उससे सिंपल सिंपल मीनिंग्स आने की अपेक्षा की जाती है, उसको ये तो आना ही चाहिए, और बिल्कुल सिंपल है, जो महत्वपूर्ण है मन को यहाँ पे बता भी रहा हूँ। आगे देखिए, वी आर ऑल मच टू एप्ट टू लुक एट द इविल इन अदर इंडिविजुअल्स, वी आर ऑल मच, हम सभी टू एप्ट टू लुक एट इविल इन अदर इंडिविजुअल्स, कि दूसरे लोगों पर बुराइयों खोजने में हम कैसे हैं, महारत प्राप्त हैं या कुशल हैं। एंड कंट्रीज, दूसरे देशों और दूसरे व्यक्तियों पर बुराइयों ढूंढने में हम कुशल हैं, रेदर देन द गुड, अच्छाइयों की अपेक्षा, यानी कि हम अच्छाइयों की अपेक्षा बुराइयां खोजने में, दूसरे या दूसरे देशों पर बुराइयां खोजने में हम कुशल हैं। परहैप्स सम ऑफ यू नो, लेकिन तुम में से कुछ जानते हैं, द सेइंग इन द बाइबल अबाउट द पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में कहे जो कही गई कहावत है, तुम में से कुछ लोग जानते हो, हु कुड नॉट सी द बीम इन हिज ओन आई, जो अपने ही आँखों में, अपनी खुद की ही आँखों में किरण को नहीं देख सकता, एंड सा द मोट इन द अदर्स आई, सामान्य देखता है, मोट मीन्स होता है धूल के कण, इन अदर आई, दूसरों की आँखों में धूल के कण को देख सकता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, इफ़ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, आई एम रैम्बलिंग, कि मैं बड़बड़ा रहा हूँ या मैं ज़्यादा कुछ कह रहा हूँ, रैम्बलिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना, बट दिस इज, लेकिन बात यह है, आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट, मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूँ, रहस्य के बारे में, एक रहस्य उजागर करना चाहता हूँ, ए वेरी क्लीवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड, कि एक तुम्हारे मस्तिष्क के पीछे एक चतुर दिमाग विद्यमान है, या एक चतुर प्रयास विद्यमान है। आई एम एट लीस्ट बींग फ्रेंक विथ यू, मैं कम से कम तुम्हारे साथ स्पष्टवादी हूँ। आई एम एट लीस्ट बींग फ्रेंक विथ यू, मैं कम से कम तुम्हारे साथ तो स्पष्टवादी हूँ ही, ये इसका भावार्थ हुआ। आगे देखें, हैविंग गॉट द लार्जर फ्रेम, एक बड़ा फ्रेम मिलने के कारण, यानी कि बड़े अधिकार मिलने के कारण, आई लुक्ड मोर क्लोजली एट माई ओन कंट्री, मैं अपने पूरे देश को
नजदीक से देख सका एंड रॉट दिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत एक खोज को मैंने लिखा। इन इट, इसमें आई कंसंट्रेटेड ऑन माय कंट्रीज पास्ट एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट। मैंने इसमें अपने देश के अतीत और उसके जो विकास की जो कहानियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया है। कंसंट्रेटेड मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्पष्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ हाउ माई थिंकिंग डेवलप्ड इन दिस मैटर, कि मेरा जो दिमाग है, मेरे जो विचार हैं इस मामले में कैसे विकसित हुए। द मोर आई थॉट, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा। एंड द मोर आई लर्नड द मोर, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा। द मोर आई सा हाउ लिटिल आई न्यू, मैंने जितना जाना। एंड हाउ मच मोर देयर वाज टू लर्न, और उससे कहीं अधिक सीखने के लिए था, यानी कि जितना अधिक सीखने के लिए था मैंने उसमें से बहुत ही थोड़ा सीख पाया। वन ऑफ माई रिग्रेट्स टूडे, आज का जो पछतावा ये है, आज का मेरा जो पछतावा है वो ये है दैट आई हैव नो टाइम टू परस्यू दीज, कि आज मेरे पास में टाइम नहीं है इनको देने के लिए। आगे हम देखते हैं अगले पेज में। तो फ्रेंड्स, जो अगला जो चैप्टर है उसको हम अगले भाग में आपको उपलब्ध कराएंगे। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एंड स्क्रीन को क्लिक करके भी आप अगले पार्ट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि इसी तरह के वीडियो आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।